सुबह के बज रहे हैं शायद 5 ऑलमोस्ट। सो देखिए हम किधर है अभी। बेहतरीन जर्नी, एक नया सफर, वो भी कुछ नए पल के साथ शुरू करते हैं आज हम लोग। फिलहाल आज है हमका 8 नवंबर, और हमारा जो अभी का ये प्लान है वो थोड़ा हमारे इस लाइफ में सबसे बड़ा प्लान होने वाला है शायद से। सो अभी वेट कर रहे हैं एक बंदे के लिए। कुछ नए पल, कुछ नए हंसी, कुछ नए लम्ब शुरू करने वाले हैं आज नया एक सफर, वो भी हमारे जिगरी यारों के साथ। तो भाई लोग, आज का जो हमारा ये ट्रिप होने वाला है वो हमारे लाइफ का सबसे यादगार ट्रिप होगा भगवान के आशीर्वाद से। सो गाइस, अभी हम लोग है खुवाई बाईपास पे, जो ऑलमोस्ट हमारा जो जर्नी है वो शुरू हो चुका है। मंजिल बहुत 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 ही दूर है। यहाँ पर देखिए भाई, ये लोग बैग पैक कर रहे हैं अपना अपना। देखिए ये लोग अपना अपना बैग पैक कर रहा है, जो है ना हम जो जब रनिंग में रहते हैं ना, तब हमारा जो है बैग है ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। ये देखिए, और इसका लूज़ मोशन शुरू हो गया। ये देखिए, वाह वाह लवली। सो बने रहे हमारे साथ बेहतरीन जर्नी के साथ, बेहतरीन व्यू के साथ। ट्रिप की शुरुआत होती है भाई यहाँ पर भगवान के नाम पे। भाई ये सामने 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 फूला, भगवान के नाम से शुरू करते हैं भाई। जय माँ। जय भगवान, आपका जय हो, आप देखना यार। भाई ये क्या गाना सुन रहा है ये? अभी सब लोग भाई प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। भगवान के नाम पे अभी पूजा कर लिए हम लोग, मतलब नारियल फोड़ लिए हैं। और जब जब हम सामने जाएंगे, आगे जाएंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा बेहतरीन व्यू। ये देखिए राइडर भाई साहब, ओह माय गॉड। ये भाई बेचारा हम लोगों की तरफ कैसे देख रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई। और ये देखिए, ये चुपके से चुपके यहाँ पर देख रहा है, डॉन है अपने एरिया का। गाइस अभी बज रहा है 10, और अभी भी हम लोग जस्ट धर्मनगर आए हैं। सो हम लोगों का जो है ना ट्रेवल बहुत ही लेट चल रहा है, और इधर देखिए अभी खाएंगे। तो ये देखिए अभी हम लोग आसाम के अंदर एंटर हो चुके हैं भाई लोग। चाचा का देखिए, चाचा का बैग जो है ना उसके साथ दुश्मनी चल रहा है इस चाचा का। कुछ देर बाद बाद चर्चा हो रहा है। आज अभी हम लोग ऑलमोस्ट अपने मंजिल के करीब आ चुके हैं, तो आप लोगों को जस्ट एक व्यू दिखाता हूँ भाई। ये देखिए क्या व्यू है भाई, मस्त 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 है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, और भी दिखाता हूँ आप लोगों को। किसी को मुफ्त में पाउडर चाहिए तो आ जाओ इधर, देखो कितना सारा है। मैं लिटरली शॉक हूँ भाई, ये क्या चल रहा है भाई, इतना मुफ्त का पाउडर कौन देगा। देखो देखिए टेट को झाड़ू लगाएगा इसलिए झाड़ू नहीं। सो गाइस राइट नाउ आप एक जगह पे रुके हुए हैं, हमारा हालत बहुत ही टाइट है, इसलिए भाई ORS खाएंगे अभी। चेहरा देखा भाई, रह जाएगा चेहरा देख के आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई, हाल देख सकते हो। मतलब इतना घटिया रास्ता है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। पूरा रास्ता 30-50 किलोमीटर आपको सिर्फ ऐसा पाउडर देखने को मिलेगा। बट एक चीज मैंने देखा यहाँ पर आकर, पर भी होली क्रॉस है। ओ भाई होली क्रॉस वालों, एक लाइक ठोक दो। अगर आते हो मेघालय घूमने के लिए भाई, ट्रेन से आया करो, बाय रोड आओगे तो मजा आएगा, बट उतना दुख भी होगा। चाचा देखो यहाँ पर दारू बना रहा है यार, दारू। बाइक पे आना है वो भी शिलांग, जस्ट लुक एट द व्यू। देखिए क्या हाल है, ये देखिए पूरा दलदल है, दलदल। ये देखिए इससे हम बाइक को कैसे निकालेंगे भाई, देखिए हालत के साथ। मुझे नहीं पता भाई हम लोग कब पहुंचेंगे, बट एक चीज़ है भाई, एडवेंचर हो रहा है बहुत ज़्यादा। बने रहिए हमारे साथ। लिटरली मालूम नहीं था जो कि मेघालय का ट्रिप इतना एडवेंचर होगा, क्योंकि इस एडवेंचर का कारण सिर्फ एक ही है, यहाँ का रोड भाई इतना खतरनाक। ये देखिए मतलब इतना खतरनाक तो है ही, उसके साथ इतना मिट्टी, भाई क्या बोलूँ, पूरा लड़क लड़क फीलिंग आ रहा है यार मुझे। अगर आपको आना है ज़रूर से आना, बट एक चीज भाई, यहाँ से आपको इतना बेहतरीन व्यू मिलेगा जो कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो आपके मुंह से जस्ट एक ही बात आएगा, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। जस्ट आप देखिए भाई क्या व्यू आ रहा है, ये देखिए।
ये देखिए भाई, हो सकता है कैमरा में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट अगर आप रियल आंखों से देखेंगे ना भाई, इतना सुंदर लग रहा है भाई, क्या ही बोलो। हम लोगों को पहुंचने में और भी करीब 2-5 से 7 घंटा लगेगा अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। और रोड का जो कंडीशन है, मुझे नहीं लगता 12 बजे से पहले हम लोग यहाँ पर से पहुँचेंगे यार। बट एक बात बोलूँगा, इस ट्रिप ने बहुत कुछ सिखा दिया भाई। चलिए मिलते हैं सामने और देखिए हमारा ड्रेस का हालत कैसा है। तो भाई लोग, रास्ते का कंडीशन इतना ख़राब है, मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ देर बाद ही बाइक को रोकना पड़ता है। मतलब आप 10-20 के ऊपर स्पीड लेके ही नहीं जा सकोगे इतना। बट आप लोगों को एक और एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, कैसा नज़ारा है देखिए। लुक एट द व्यू गाइस, ऐसा ख़राब रोड, वो भी पीछे भी ऐसा, सामने भी ऐसा, और सामने ऐसा खूबसूरत नज़ारा अगर देखने को मिले तो भाई क्यों नहीं ऐसे टूटा फूटा रास्तों पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आपके सामने अच्छा रोड तो नहीं आया, बट आया है एक मजेदार चीज, टनल। मुझे नहीं पता है किसका टनल है, कौन सा टनल है, किसका बड़ा छेद है, जो भी हो अभी हम जाएंगे इसके अंदर और आप लोगों को दिखाएंगे। और होप सो इस टनल के बाद से ये रोड अच्छा हो जाए भाई, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर इतना घटिया रोड था यार। और रोड के मतलब बीच में कोई रेस्ट का जगह भी नहीं थी, एक तरह से था, सब तरफ बैरिकेड और बैरिकेड ही था। सो गाइस, अभी हम लोग बहुत ही जर्निंग करने के बाद एक पेट्रोल पंप पे आके रुके थे। तो पेट्रोल पंप के आने के बाद हम लोगों को ऐसा फील हुआ, हम पेट्रोल पंप नहीं किसी एक होटल में आए हैं। क्यों, आप लोगों को दिखाता हूँ, जस्ट आइए मेरे। पहले तो हमारा हुलिया देख के मत सोचना हम होटल में हैं, क्योंकि हम जेन्युइन पेट्रोल पंप में हैं। हम यहाँ पर आए थे, इसका वॉशरूम देख के भाई लिटरली मैं फिदा हो गया, यहाँ से थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गया। अंकित ये वीडियो कर रहा है, ये देखो ये भी कितना सुंदर हो गया है अभी। तो आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप कितना बड़ा प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं, देखिए बहुत बड़ा प्रॉपर्टी इनका। इनका एक देखिए चाय का शॉप भी है पेट्रोल पंप के अंदर, और इनका जो एरिया है ना, ये भी बहुत ही बड़ा एरिया है। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ इनका वॉशरूम, जिसके बारे में मैंने तारीफ़ किया था। नॉर्मली हम जहाँ पर रहते हैं, आप लोगों को बताइए मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर आप लोगों को इतना फैसिलिटी नहीं मिलता, छोटा सा एक पंप होता है उसमें, कभी कभी तो वॉशरूम भी नहीं होता, टॉयलेट भी नहीं होता, वॉशरूम तो दूर की बात है। तो यहाँ पर मैं जाके देखा, ऐसा पानी का जो काउंटर है ना, ऐसा पानी का काउंटर है, दो यहाँ पर है, एक है वहाँ पर, ऊपर वो देखिए वहाँ पर हमारा बाइक जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर भी वो उन लोगों का एक ढाबा टाइप कुछ है। प्लस आप यहाँ पर रह भी सकते हैं, मैंने उन लोगों को पूछा था भैया हम लोग रात में रुक सकते हैं क्या, हाँ रुको, वो लोग के यहाँ से ब्लैंकेट वगैरह भी प्रोवाइड करेगा बोल दिया, तो बहुत बढ़िया। ये पानी का काउंटर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए ऐसा एक दो है, और उधर ढाबा भी है, और ये देखो भाई हल्का हो क्या गया। तो ये देखिए भाई, ये है इन लोगों का वॉशरूम, देखा भाई कितना अच्छा डिज़ाइन करके रखा हुआ है। और वॉशरूम के अंदर देखिए, शर्मिंदा नहीं करूँगा, बट इनका देखिए भाई, इनके वॉशरूम के अंदर वॉशिंग मशीन भी दिया हुआ है भाई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुझे बोलिए कैसा लगा आप लोगों को। हम लोग मेघालय के अंदर तो आ चुके हैं, बट शिलोंग अभी तक नहीं पहुँचे। यहाँ से शिलोंग और 120 किलोमीटर समथिंग दूर है। ये हमारा रोड मैप, ये आपको पूरा डिटेल दे सकेगा। फिलहाल भुजिया खा रहे हैं, क्योंकि बहुत जर्निंग करने के बाद क्या ख्याल है आपको रोड के बारे में? ख्याल तो बहुत ही अच्छा है, बट 70 किलोमीटर जो रोड इतना बकवास था, उसके बारे में मैं 0 रेटिंग दूंगा। उसके लिए आप किसको दोष देना चाहेंगे? टोल का पैसा किधर गया? टोल बूथ तो है नहीं, वो तो बंद हो गया। तो गाइस अभी हम लोग 10-15 मिनट के बाद निकल जाएंगे शिलोंग के लिए, क्योंकि 120 किलोमीटर सुबह कवर नहीं करेंगे, अभी कवर कर लेंगे। सो अंकित है हमारा लीडर, अंकित हम लोगों को कोऑर्डिनेट करेगा, और कल सुबह मिलते हैं शायद। ये वीडियो आप लोगों को कल परसों देखने को मिल सकता है, आशा करूँगा। तो चलिए देखते। और एक बहुत ही दुख की बात है, मैं आप लोगों को ज़्यादा रोड का जो वीडियो है वो नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि हम सब लोग सोलो आए हैं, मतलब सिंगल सिंगल आए, तो पीछे से वीडियो करने वाला कोई नहीं था। और मैं तो भाई सुन, अमिताभ ताम का सा आसजी नहीं, वो इसके पास है, वो नहीं दिखाएगा, जे रास्ता अभी को मानसो मनते लोगों का। बाइक का हालत देखिए भाई, क्या हालत हो चुका है मेरा बाइक। अभी मैंने कुछ देर पहले इसको पोंछ लिया था, तो इसलिए ठीक है। राजदीप का बाइक का हालत देखिए, ये जेन्युइनली राइडर, देखिए क्या हो गया है पूरा रास्ता। हमारा शू का हालत देखिए, बहुत ही खराब कर, अभी ठीक है। अभी हम लोग दोबारा से रेडी होने वाले हैं शिलोंग के लिए, हम लोग अभी निकल जाएंगे, क्योंकि गाइस रेडी हो चुके हैं दोबारा निकलने के लिए। बज रहे हैं अभी 8:30,
अभी भाई शिलोंग को क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब शिलोंग पहुंचना पड़ेगा अभी। ये देखिए बंदे लोग रेडी हो चुके हैं। सो अभी ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी जाके शिलोंग को टच करने के लिए, क्योंकि अगर आज रात को हम शिलोंग नहीं पहुंचे तो फिर हमारे लिए थोड़ा वो लेट हो जाएगा। तो अभी शिलोंग पहुंचेंगे तो आपको एक छोटा सा व्यू देखा था वो। अभी हम जिस पेट्रोल पम्प पे इससे मुझे पता तो नहीं ये क्या है, बट अच्छा व्यू है भाई। सो भाई हम लोग शिलोंग नहीं पहुंच पाए बिकॉज ऑफ इधर का जो रोड है भाई बहुत ही अलग सीन का रोड है, तो जिस वजह से हम लोगों को शिलोंग जाने में दिक्कत हो रहा था। तो अभी हम लोग हमारे साथ तो टेंट लेके आए थे, टेंट के लिए हम यहाँ पर टेंट कर लेते हैं, यहाँ पर सो जाएंगे और सुबह उठ के जल्दी से निकल जाएंगे। देखो ये लोग टेंट बना रहे हैं, टेंट में बिछाने के लिए भाई मेट वगैरह तो सब लेके आए हो, बट इसके अंदर है हमारा ब्लैंकेट और ये सब। देखो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर लिटरली भाई, मतलब क्या बोलो बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये देखो मैंने से हमारा टेंट रेडी हो चुका है, ये देखिए टेंट के अंदर सारे प्राणी कोई तो मतलब भाई ब्लॉग चल रहा है, ब्लॉग चल रहा है, समझ लो। दरवाज़ा बंद कर देता हूँ अभी इधर से, क्योंकि हमारा बाइक यहाँ पर खड़ा है, उसको ने मेरा दीपिका बाइक है, तो भाई इसको बंद कर देता हूँ। नीचे भी दे ना बेटा, दादी वो लगा दिया भाई। ये देखिए हमारा पूरा टेंट, ये लोग सो रहे हैं, हमारा तकिया और हम सोएंगे अभी भाई। चलो भाई लोग आज के लिए गुड नाइट, कल शुरू होगा हमारा एक नया जर्नी, नया एक सफ़र डे टू। चलो आज के दिन में तो बहुत रोड के ऊपर ही अपना दिन ख़त्म हो गया, इतना ज़्यादा बकवास रोड। ची। अगर आप टेंट में आते हो ना, आपके लिए एक बेनिफिट है, जैसे कि आप किसी भी नज़दीकी पेट्रोल पंप हो या फिर कोई भी साइट देख के आप आराम से स्टे कर सकते हो। जैसे कि हमारा टेंट देखिए, हमारा अभी कोई चिंता नहीं है, टेंट लगा लिया सो गया। ये टेंट का मालिक इस कोने में बैठ के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। चलो भाई गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह।